जनपद हमीरपुर के राठ कोतवाली इलाके के अंतर्गत सड़क पर लगे पेड़ से बाइक टकराने पर दो की मौत हुई थी। उरई मार्ग पर मसगांव मोड़ के पास सड़क पर लगे पेड़ से तेज रफ्तार बाइक टकराने से बाइक सवार महिला व पुरुष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। जानकारी के अनुसार पनवाड़ी थाना के अलीपुरा गांव निवासी इंद्रपाल राजपूत पुत्र मूलचंद गुहान की ओर से बाइक से आ रहा था। बताया जा रहा है कि उसके साथ परिवार की एक महिला थी। उरई मार्ग पर मसगांव मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क पर लगे पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में बाइक सवार दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। देखिए हमारे विशेष संवाददाता शीतु सेंगर की घटनास्थल से ये खास रिपोर्ट। आज UP24 की टीम पहुंची है एक ऐसी जगह जहां पे इस सड़क को अगर खूनी सड़क कहा जाए तो कम नहीं होगा। ये उरई से राठ जाने वाला वो हाईवे है जहां पे अधिकांश एक्सीडेंट होते हैं, और इस समय जहां पे हम लोग खड़े हैं बीती रात यहां पे एक इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ जहां पे एक पुरुष व महिला की मौके पे ही मौत हो गई। लोक निर्माण विभाग ने सड़क को चौड़ीकरण को बहुत कराया, बहुत चौड़ी सड़क बनाई, लेकिन काटना भूल गई। अधिकांश इन्हीं पेड़ों की टक्कर से ही रात के समय यहाँ पे अधिकांश एक्सीडेंट होते हैं। अभी हमारे संवाददाता सीतू सेंगर आपको बता रहे थे कि ये वो नेशनल हाईवे है जहाँ पर अधिकांश सड़क हादसे होते हैं। देखिए उनकी ये एक और ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। आइए हम दिखाते हैं आज वो खूनी पेड़ जिसने कि ना जाने कितने लोगों का खून पिया है। ये वो खूनी पेड़ है और यहाँ पे तो ट्राई भी रहा हूँ, मैं उनको उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर क्या नाम है आपका? सर रामपाल जी, आप बीरा से हैं तो आप बीरा से रात तक आते हैं तो लगभग ये रास्ते में इस तरह के कितने पेड़ आपको मिलते हैं? जो रोड के अंदर है तो अचानक यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं तो क्या जब आप आते हैं तो रात में इस तरह का कोई भय रहता है आपके मन में? नहीं, टेंशन जरूर रहती है कि रात में कभी भी मतलब दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि जो सामने से लाइट वगैरह क्लियर नहीं हो पाता उससे तो अधिकांश दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ये थे रामपाल जिन्होंने की बताया ये बीरा के हैं। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मसगांव से लेके अमगांव मोड़ तक अगर इस सड़क को खूनी सड़क कहा जाए तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर जाने कितने परिवारों को इस सड़क ने उनकी खुशियां छीनी है। कभी किसी का बेटा इस सड़क में बलिदान हुआ है तो कभी किसी की बेटी या किसी की बहू, यहाँ तक कि इस सड़क ने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों तक को नहीं बख्शा। ये वही सड़क पर लगा पेड़ है जहां पर बाइक टकराने से दो लोगों की मौत हुई थी। हमारे संवाददाता सीतू सेंगर की एक और देखिए ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। आइए अब मैं वो आपको पेड़ दिखा रहा हूँ, आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये वो सड़क है, और सड़क के ठीक ये अगर इसको बीचम बीच कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब सड़क का चौड़ीकरण किया गया होगा निश्चित तौर पर उससे पहले ये पेड़ बिल्कुल बीचों बीच होगा। आप तस्वीरों में जैसा कि देख पा रहे होंगे यही वो पेड़ है जहाँ पे कल रात को एक्सीडेंट होने से दो एक पुरुष और एक महिला की दर्दनाक मौत हुई थी। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये वो पेड़ है जहाँ पे रात्रि को शाम को करीब टक्कर होने के बाद यहीं से वो मोटरसाइकिल यहाँ तक आई, और यहाँ आने के बाद आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे होंगे मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा, ये देखिए ये वो ब्लड है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो दाम्पत्य जहाँ पे वो पुरुष की बॉडी जली हुई थी, एक पॉइंट ये है। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा एक यहाँ पे गाड़ी गिरने के बाद यहाँ एक पुरुष गिरे, उसके बाद वो जो महिला दूसरी थी वो वहाँ पे जाके आगे गिरी।